देखिए इंसानों में क्या मामला होता है ना, एक लालच होती है। इंसान जो होते हैं ना स्वार्थ, उनके अंदर ग्रीड होती है, और वो ग्रीड की वजह से क्या होता है, वो ग्रीड की वजह से कई सारी चीजें इंसान करते हैं जो सही देखकर नहीं, जो सही और गलत उनका मामला नहीं होता है, उनका मामला होता है फायदा। मेरा फायदा कहाँ है, वो चीज में उनको इंटरेस्ट होता है, सबको अपने फायदे में इंटरेस्ट होता है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि पैसे का मामला है जहां पर लोगों के खून होते हैं, कत्ल होते हैं, जाने जाती है, जंगे होती है, कारोबार बिजनेस तिजारत की वजह से, यहां तक कि जंगे होती है, जुल्म होता है, ज्यादती होती है, इंसान इंसान का खून चूसता है बिजनेस तिजारत के जरिए से भी। कैसे ये चीज होती है? इस्लाम ने क्या किया कि अल्लाह सुब्हान व तआला सब कुछ जानने वाला है, अल्लाह इंसानों का खैर खा है, अल्लाह जानता है कि इंसानों के लिए क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी है। और जब अल्लाह सुब्हान व तआला हर चीज को जानता है, तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुछ लिमिट्स दी है, लिमिट्स लिमिट्स, और वो लिमिट्स के अंदर हमें आजादी दी। तो आइए मैं आपके सामने कुछ बातें रखूं इस ताल्लुक से। और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस देखिए आप, जिसके जरिए हमें बातें पता चलती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिकुल्ली उम्मतिन फितनतन व इन्ना फितनता उम्मती अलमाल। हर उम्मत का एक फितना होता है, हर उम्मत का एक फितना होता है, और मेरी उम्मत का फितना माल है। क्यों, कैसे पता था ये? आप देखोगे जिस तरह से ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस का इंपैक्ट इंसानी जिंदगी पे होता है, ये आज हम समझ सकते हैं कि किस तरह से इस उम्मत में, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, इस उम्मत में किस तरह से बिजनेस की इंपॉर्टेंस बढ़ी है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर उम्मत का एक फितना होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कौन सी उम्मत मुराद है, कि हर नबी की एक उम्मत थी जिसके सामने उस नबी ने दावत पेश की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी उम्मत के सामने जो दावत पेश की, और उनकी उम्मत कयामत तक के आने वाले हर जमाने, हर दौर, हर जगह के लोग हैं। तो ये उम्मत का जो सबसे बड़ा फितना है वो है फितना माल, माल का फितना। और कुरान की आयत है, आप देखोगे अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह की याद से दूर ना कर दे। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़औलाइका हुमुल ख़ासिरून, जो ऐसा करेगा तो वो खसारे खसारे वालों में से है। तो हम ये समझते हैं कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने जो बताया कि माल के मामले में फेल नहीं होना, अल्लाह की याद से तुम्हें दूर ना कर दे, मतलब अल्लाह को याद रख के बिजनेस करना, यानी अल्लाह के कानून की लिमिट्स फॉलो करते हुए बिजनेस रखना। तो ये बात है जो बहुत जरूरी बात है, और जिस चीज की वजह से हम देखते हैं कि ये फितना, ये ट्रायल, ये आजमाइश में हम सबको आगाह रहना चाहिए, बचना चाहिए, संभालना चाहिए कि कहीं हम फेल ना हो जाए।